बोलो जय हिंद। आप सभी का स्वागत है और आज नागपंचमी जिसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नागों को लेके जो सबसे ज्यादा मिथ्या प्रचलित है वह है कि नाग दूध पीते हैं और हम लोगों ने दूध पीते देखा भी है। उसके पीछे का कारण मैं आप सभी को भी बताने वाला हूँ। नागपंचमी के दिन नागों को दूध पिलाने के लिए सपेरों के द्वारा लंबे समय से तैयारी की जाती है। सांपों को कई दिनों से भूखा प्यासा रखा जाता है नागों को, और उसके सामने नागपंचमी के दिन अचानक किसी पात्र में दूध रख दिया जाता है जिसे ये अपने गला के तराश मिटाने के लिए पी जाते हैं। और दूसरा, ये क्या करते हैं सपेरे, सांपों के नागों के श्वास नली में अपने अंगूठे से दबाव बनाए रखते हैं कुछ देर के लिए, और दूध के पास ले जाके उसके मुंह को दूध के पात्र में डाल देते हैं। और सांप अपने सांस रुके होने की वजह से अचानक जब सांस इकट्ठा अंदर खींचता है तो साथ में ही उसके मुंह में दूध भी चला जाता है। देखने वाले को तो बस एक साधारण घटना लगती है कि नाग के द्वारा दूध पिया गया, लेकिन उसके पीछे की जो क्रूरता है और इससे जो तकलीफ होती है वो हम आज तक समझ ही नहीं पाए, क्योंकि सांपों का पाचन तंत्र दूध पचाने के लिए नहीं बना तो इन्हें बहुत ज्यादा समस्या होती है जिससे इनकी जान भी जा सकती है। दूसरा, अचानक से जब ये सांस के साथ दूध खींचते हैं तो इनके फेफड़े तक में दूध जा सकती है, ये भी इनके लिए जानलेवा हो सकता है। तीसरा क्या होता है कि सांपों के द्वारा पकड़े गए सारे नागों के सांपों के दांत तोड़ दिए गए होते हैं और दूध पीने की वजह से उसमें संक्रमण फैलने की संभावना अधिक हो जाती है जिससे भी सांपों की मौत हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी मिथ्या यह है कि नाग बीन में नाचते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि सांपों का कान नहीं होता, वो कंपन से और अपनी जुबान से बाहरी दुनिया को समझते हैं, लेकिन हम लोगों ने जो बीन में नागों को नाचते देखा है उसके पीछे कारण ये है, नागों का स्वभाव जब हम इंसानों से ये घिर जाएं या किसी मुसीबत से और ये भाग नहीं पाते तो फन कड़ा करके मुसीबत का सामना करना चाहते हैं, अपने फन को चौड़ा करते हैं, इससे वो दिखाते हैं कि मैं विशाल काय हूँ। और ये जो फुंकार मारते हैं वो सिहरन पैदा करने वाला जो फुंकार होता है ये अपने संभावित शिकारी को खतरे को अपने से दूर रखना चाहते हैं। ये देखिए, जो हम नाचता है कहते हैं वो कुछ नहीं, इस तरह से काटने के लिए ये अपने टारगेट बनाए रहता है। ये देखिए, ये नाग जो हम सोचते हैं बीन में नाच रहा है वास्तव में वो दंस करने के लिए पोजीशन बनाते रहता है, और हम इंसान इस धोखे में फंस गए कि ये नाचते हैं। ये देखिए, ये हमारे घुटने को टारगेट बनाया हुआ है और ये ऐसा लगता है कि ये सांप नाच रहा है। देखिए, जगह को बदल रहा है, ये देखिए। तो यहाँ आप स्पष्ट समझ गए होंगे कि सांप नाचते नहीं है, सपेरे के बीन को उनके घुटने के को उनके पांव को टारगेट बनाते हैं काटने के लिए, बाइट करने के लिए, ठीक है। तीसरे भ्रम अंधविश्वास मिथ्या पे बात करें तो वो है नागों को लेके जो तीसरा प्रमुख है कि ये मारने वालों की तस्वीर अपने आंखों में खींच लेते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि अगर ऐसा अगर किसी सांप के द्वारा किया जाए तो उसके आंखों में ऐसी कुछ सिस्टम होनी चाहिए, कुछ ऐसा फंक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता तो आज तक वैज्ञानिकों के द्वारा ढूंढ लिया गया होता। साथ ही इसके पार्टनर यानी नाग को हमारे द्वारा मारा गया है तो नागिन आंखों में मारने वाले की तस्वीर देख लेती है और उसके बाद बदला लेती है। तो सबसे पहले यह समझ लें कि नागों सहित सभी सांपों का मस्तिष्क इतना अधिक विकसित नहीं होता कि वो इस तरह का कोई एडवांस प्रतिक्रिया दे सके, क्योंकि अगर सांपों का मस्तिष्क इतना अधिक विकसित होता तो अब तक हम इंसानों के द्वारा उसे पाल लिया जाता और अपने किसी कार्य में लगा भी दिया गया होता। जिस तरह हाथियों को हम देख सकते हैं कि उतने विशाल शरीर वाले जीव को भी हम इंसानों के द्वारा काबू में ला के पालतू बना लिया गया है।